नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्निहोत्री। आज हमारे बीच श्री राजेंद्र यादव टैक्स एडवोकेट मौजूद हैं। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में आज हम आपसे ही पूछेंगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में। मैं अपने वकील साहब श्री राजेंद्र यादव जी से पूछना चाहेंगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से बताएं। जी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इनकम टैक्स जो कि सभी नागरिकों के ऊपर लागू है, उसमें एक ये नियम होता है कि जिनकी टैक्स से नीचे, लिमिट से नीचे जिनका आय होती है उनको टैक्स नहीं देना होता है। जिन लोगों के ऊपर टैक्स बनता है उनको टैक्स पे करना होता है। जी जी। इसलिए सरकार ने इधर 3 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स फ्री कर रखा है। जी जी। हालांकि अगले वर्ष जो अगला वित्त वर्ष चालू होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 को जो वित्त वर्ष खत्म होगा, उस वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा 31 जुलाई 2020 तक। अच्छा। उसमें 5 लाख की लिमिट कर दी है, 5 लाख तक किसी भी नागरिक को कोई टैक्स नहीं देना होगा अपनी आय के ऊपर। जी। और दूसरा मैं एक चीज और कहूंगा आम लोगों से कि जो लोग अपने बैंक खाते में, जी, बचत बैंक खाता होता है उसमें जो लोग अपना पैसा 10 लाख रुपए से अधिक नगद पैसा जमा कर देते हैं, जी, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 लाख से ऊपर किसी भी बैंक खाते में जो नगद, जो बचत बैंक खाता है उसमें 10 लाख से ऊपर अधिक अगर नगद पैसा आप जमा करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे देगा। नोटिस देने के उपरांत आप उसका सारा जवाब देंगे, अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो आपके ऊपर तमाम टैक्स लग जाएगा, तमाम आप परेशानी झेलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और मुख्य चीज़ है, जैसा कि इस समय जो हम आप या समाज में जो लोग हैं संपत्तियों को खरीद बिक्री करते हैं, तो ऐसे में हम जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस में जाने पर मान लीजिए हमने कोई भी जमीन अपनी 25 लाख रुपए में बेची, जी, खरीदार ने हमको 25 लाख रुपए नगद दे दिया, जी, और उसने जब बैनामा कराते समय सेल डीड के ऊपर उसने बिक्री की कीमत 10 लाख रुपए अंकित करा दी, जी, उस परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति, जी, अपने बैंक खाते में 25 लाख रुपए जमा कर देगा, जी, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब नोटिस आएगी तो जब डिपार्टमेंट पूछेगा कि आपने ये जमीन कितने में बेची, जी जी, तो आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा क्योंकि आपकी सेल डीड पे 10 लाख रुपए लिखा होगा। इसलिए इससे सतर्क रहें, कोई भी भूमि का खरीद बिक्री करें, जितने पैसे में आप उसको बेचें, जितना पैसा आपको मिले नगद या चेक से, आप उतना ही उसमें मेंशन कराएं। एक तो ये मोटी मोटी बातें हैं। दूसरा मैं जीएसटी के बारे में आता हूँ। हाल में ही सरकार ने जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया है। पहले ये डिपार्टमेंट सेल्टेक्स के नाम से जाना जाता था। अच्छा। उस सेल्टेक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले सभी जो व्यापारी हमारे या जो कारोबारी हैं वो पंजीकृत हो गए हैं, जी, उनको अपना पंजीकरण लेना है। पंजीकरण लेने के बाद में अपना व्यापार करना है, बगैर जीएसटी नंबर के किसी का व्यापार नहीं चल पा रहा है। हालांकि 1 अप्रैल 2019 से सरकार ने यह प्रस्तावित किया है, जी, कि जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन की सीमा है, जी, पंजीयन लिमिट जो है उसको 40 लाख रुपए प्रस्तावित किया है सरकार ने। अच्छा, 40 लाख। 40 लाख की जो सीमा को प्रस्तावित किया है उस 40 लाख तक किसी भी व्यक्ति को कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोगों को बगैर जीएसटी नंबर के लोग माल नहीं दे रहे हैं, कोई माल नहीं खरीद ला पा रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी। ऐसी परिस्थितियों में मैं ये कहूँगा कि जिनकी 40 लाख से कम कारोबार है, जी, वो इस बात को कहें कि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, नहीं तो, और यदि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अगर ले लेता है जीएसटी नंबर का, जी, तो उस आदमी के लिए 4 रुपए भी कर मुक्त सीमा नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेने वाले आदमी को चाहे 1 रुपए की खरीद बिक्री करेगा तो भी टैक्सेबल होगी, अगर रजिस्ट्रेशन से बाहर रहेंगे तो 40 लाख तक वाले तक कोई नहीं, उस दायरे में नहीं आ रहे हैं, उस दायरे में नहीं आएंगे। अगर ले लेते हैं, अगर आप पंजीकरण ले लेंगे तो उसके बाद आपको कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं मिलेगी। इस तरीके से
ये सारा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेंद्र यादव जी का, आप द्वारा इनकम टैक्स व जीएसटी के विषय में बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया। आशा है कि भविष्य में भी कानून की जानकारी के कार्यक्रम में समय समय पर अपना सहयोग देते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।